हेलो फ्रेंड्स, मैं मोटी जगह से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लाया हूँ आपसे आईपीएल की जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। हो सकता है कि आईपीएल इस अगला साल 2019 वाला इंडिया में नहीं खेला जाए। तो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा मैं आपको कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें सीजन को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को खबर आई कि अगले साल आईपीएल से पहले सप्ताह की जगह 29 मार्च से शुरू होगा और 19 मई को ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लोडा समिति के सिफारिश के कारण हुआ, जिनके तहत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के शुरू होने से पहले 15 दिन का गैप जरूरी है। आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में विश्व कप भी खेला जाना है, वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में खेला जाएगा, तो उसके लिए 15 दिन पहले आईपीएल को ख़त्म करना होगा, इसलिए डेट उसकी आगे बढ़ाई गई है। तिथियों में बदलाव के बाद अब आईपीएल के भारत से बाहर आयोजित होने की संभावनाएं बढ़ गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईपीएल के अगले साल होने वाले आम चुनाव से टकराने की संभावना है। लोकसभा चुनाव भी 2019 में ही होने वाले हैं। 2009 के आईपीएल का दूसरा सीजन साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुआ था, जबकि 2014 में आईपीएल के आधे मुकाबले यूएई में खेले गए थे। अब 2019 में भी आईपीएल के यूएई में होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, जब ऐसी स्थिति बनेगी हम तभी फैसला करेंगे, लेकिन हम ऐसे किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, यूएई का टाइम जोन भारतीय दर्शक के अनुकूल है, तो अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी बड़ा लॉस होगा इंडियन सपोर्टर्स के लिए, इंडियन फैंस के लिए और काफ़ी बड़े बड़े स्पॉन्सर्स के लिए ये एक लॉस हो सकता है। अगर आईपीएल या इंडिया के बजाय यूएई शिफ्ट हो जाता है तो बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। और ये सिर्फ ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद इंग्लैंड में विश्व कप भी खेला जाने वाला है 28 मई से। तो यही था आज का मेरा वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।